पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, मैं हूं अंकित मार्को, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पे मैं आया हूं पुलिस लाइन पे। यहां पे परेड का आयोजन किया गया था और डिफरेंट प्रकार की झांकियां प्रस्तुत की गई थी, जिसे मैंने इस वीडियो पे कवर करने वाला हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो पे बने रहिए। सो चलिए शुरू करते हैं। जब नमीबिया से चीते लाए गए थे, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये कड़कनाथ कुटकू पालन योजना। तो और जो सामने पिंजरा, इसमें कड़कनाथ रखे हुए हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिट्स। मार्गदर्शन में यह भव्य व्यायाम प्रदर्शन प्रस्तुत किया जा रहा है। इस सुनहरे व्यायाम प्रदर्शन को सख्त का अमली जामा पहनाया है पीटीआई मधु कछवाहा, पीटीआई सुधीर कछवाहा, पीटीआई मिली सिंह ने। विद्यालयों का प्रतिनिधित्व किया है शिक्षक निरंजन कछवाहा, एसके जैन प्रतिभा। ये जो आप सामने टैबलू देख रहे हो, ये मध्य प्रदेश शासन वन विभाग द्वारा बनाया हुआ टैबलू है। इसका मोटिव है मेरा वन मेरा धन मेरा उद्गम। तो इस टैबलू में दिखाया गया है कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उससे शहद कैसे निकालते हैं। ये बहुत ही सुंदर टैबलू है। सामने यहाँ पे चीता बनाया गया है और ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव चीता का फेस बनाया गया है कि 2022 में जब नमीबिया से चीते लाए गए थे कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, तो उसी के प्रति ये झांकी बनाई गई है। वाह, अमेजिंग, मज़ा आ गया, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। भारत के हृदय स्थल में चीते का स्वागत है। ऊपर ही नरेंद्र मोदी जी हैं। ये सामने वो फुटेज है जब नमीबिया से चीता इंडिया लाए गए थे, तो उन्हें क्वारंटाइन रखा गया था बाड़े में। तो और ये इनको जब नरेंद्र मोदी जी ने रिलीज़ किया था, ये वहाँ की फुटेज है। और ये सामने यहाँ पे बेम्बू आर्ट से बने हुए डिज़ाइंस हैं। मध्य प्रदेश की एक नई योजना है जिसमें कड़कनाथ कुटकू पालन योजना। तो इसमें हम जैसे जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो कड़कनाथ है, ये झाबुआ ज़िले से इसको आईजी टैग मिला हुआ है। और इसका जो मीट होता है उसके यहाँ पे गुड़ लिखे गए हैं, यहाँ पे औषधि गुड़ होते हैं, काम वसा, ये सारे गुड़ इसके लिखे गए हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं। और जो सामने पिंजरा, इसमें कड़कनाथ रखे हुए हैं। ये जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्मार्ट आंगनवाड़ी की योजना आई है, उस पे बेस्ड टैबलू है, झांकी है, जो बहुत ही सुंदर तरीके से सजाई हुई है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के साथ में, अल्फ़ाबेटिक इंस्ट्रूमेंट के साथ में, और यहाँ पे मैडम्स हैं, टीचर्स हैं, वो उनको सिखा रही हैं। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। ये
जो सामने आप झांकी देख रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार की बैगा जनजाति के अधिकारों के संरक्षण की पहल है। ये बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई हुई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो बैगा जनजाति है वो जंगलों में जो लकड़ियाँ रहती हैं उससे और बम्बू से कैसे आर्ट बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक टोकरी बनाई जा रही है बम्बू से। यहाँ पे पशुपालन बताया जा रहा है। रेशम केंद्र विभाग के द्वारा ये झांकी बनाई गई है। यहाँ पे बताया गया है कि गौन पेंटिंग साड़ी कैसी होती है, जिसमें ये चित्रकलाएँ हाथ से बनी हुई हैं, उकेरी हुई हैं। और ये मशीनरी है जिससे कि साड़ियाँ बनाई जाती हैं, कुछ हाथ से बनाई जाती हैं, कुछ मशीन से बनाई जाती हैं। राइट साइड में जो मशीन है ये हाथ से बनाई जाती है, जिससे ऊन वगैरह होते हैं, रेशे वगैरह होते हैं, उनको एकत्रित करते घुमा के बनाया जाता है। और दूसरी है मशीनरी। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्लोथ रखे हुए हैं। ये टेरेस रेशम, मालवारी रेशम, और ये सामने कुकून। ये है मालवारी खोया कुकून, मालवारी रेशम। सामने जो झांकी है ये अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्स वर्ष 2023 के लिए बनाई गई है। जैसा हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 2023 को मिलिट्स ईयर घोषित किया गया था, उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने एवं इंडियन गवर्नमेंट ने मिलिट्स ईयर की थीम पे ये झांकी बनाई गई है। सामने आप जो झांकी देख रहे हैं ये आयुष विभाग द्वारा बनाई गई है। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि जो नेचुरली जो ट्रीटमेंट होता है उसके द्वारा ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। यहाँ पे पूरा सामने पूरा स्टाफ है जो इसको प्रस्तुत कर रहा है। मेजबानी मिली है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, लेकिन मंडला एकमात्र ऐसा आदिवासी जिला है जिन्हें दो खेलों गटका और थानिता के आयोजन की मेजबानी मिली है। और यह हम सभी के लिए गरिमा का विषय है, गौरव का विषय है। खेलेगा इंडिया, खेलेगा मंडला, खेलेगा मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन में हमारे मंडला जिले को मिली है मास्टर और जनता खेलों के आयोजन की मेजबानी है। तो आइए हम मंडला वाले इन गेम्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और संपूर्ण देश से आ रहे 500 से अधिक खिलाड़ी और उनकी संस्कृतियों से हम परिचित हो सके, उनकी खेल विधा से परिचित हो सके। खेल का चुनी डगर काटो से बरी ना चुके तसर ना रुके कदम हाँ जोश जुनून जज्बा दिल में चाहे रण भूमि में निकले दम बलिदान जान मेरी बार बार कीमत में मिले आजाद वतन।